यानी ख़ुद मियाँ नवाज शरीफ मरीम नवाज शरीफ हुसैन नवाज़ और हसन नवाज अब कानून की नज़र में मुल में केस आगे बढ़ेगा मियाँ नवाज शरीफ कह रहे हैं कि ये इंसाफ नहीं बल्कि इंसाफ़ का खून है जबकि मरीम नवाज शरीफ ने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया उन्होंने कहा कि हमारे साथ अब अल्लाह ही है इन हालात में और इस तरह के केसेस का पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में एक पॉलिटिकल आउटफॉल भी होता है और यही वजह है शायद कि कल वफाकी काबी के एक रुकन मियाँ रियाज़ हुसैन पीरजादा साहब कह रहे थे कि मियाँ शहबाज शरीफ को अब चाहिए वो नून लीग की क्यादत ले लें जबकि शेख रशीद ने आज कहा जी हाँ अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद अहमद ने आज कहा कि मुस्लिम लीग नून में 40 का एक ग्रुप तैयार है दूसरी तरफ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि हमें आइन के आर्टिकल 62 टू वन एफ का भरपूर जायदा लेना चाहिए ये वही आर्टिकल है जिसके तहत मियाँ नवाज शरीफ ना अहल हुए थे ये हमारे मौजूद हैं और बहुत ही डिस्टिंगविश पैनल मेरे साथ है मेहमानों का तारफ़ करा देता हूँ मुझे लाहौर से ज्वाइन किया है नामवर कानूनदान बैरिस्टर सलमान अक्रम राजा साहब ने बहुत शुक्रिया रा साहब आपने वक्त दिया कोटा से हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कामरान मुर्तजा साहब नामवर कानूनदान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सबक़ सदर बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तजा साहब आपने वक्त दिया मुझे इस्लामाबाद में ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनम डॉक्टर कयूम सोमरो साहब ने और नाजरीन हम फोन पर बात करेंगे जस्टिस शायक उस्मानी साहब से और लेटर पार्ट में फिर हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब इरफान कादिर साहब माहिर कानून राजब आपकी तरफ जाऊँगा अब जबकि मियाँ नवाज़ शरीफ पर यह फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई और ये फ्लैगशिप कंपनीज का केस है ये एसेट्स के हवाले से चार्जशीट में कहा गया कि आपके एसेट्स से बियॉन्ड ये कंपनीज बनी इस फर्द जुर्म को इस केस को हम महज एसेट्स बियॉन्ड केस समझें जो कि तकरीबन आधे पार्लियामेंटेरियन के ऊपर ये लगा हुआ है या ये कुछ और चीज़ है पे तो यही मुकदमा है ये नायब ऑर्डनन्स का जो सेक्शन नाइन ए फाइव है उसके तहत एक इल्ज़ाम है कि जो असासे हैं आपके ख़ानदान के या साहबजादों के वो जो आमदन है जिसका इल्म है उससे बढ़ कर हैं या ये है कि उनका जवाज़ फराहम कीजिए ये बुनियादी तौर पर मुकदमा है और अगर जवाज़ फ्राहम नहीं होता तो कुछ मफरूज़े हैं कि ये न, असासे जो हैं आपके किसी अमल की वजह से बने सो मुकदमा ये है कि जो असासे आपके ख़ानदान के पास हैं वो असासे अगर वो उनका जवाब नहीं दे सकते कि किस तरह बने तो फिर ये अखज़ किया जाएगा कि आपके किसी अमल की वजह से बने हैं और आप जवाब दें हैं ये बुनियादी तौर पर मुकदमा है अब इसको तकनीकी हवाले से देखा जाए तो ऐसे बेशुमार मुकदमात अदालतों के सामने हैं है, मुकदमा है। जस्टिस शायक उस्मानी साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया कल जब फर्द जुर्म मियाँ नवाज शरीफ पे आयद की गई तो उनका फिर रात को बयान आया कि मुलजिम की अदम मौजूदगी में फ़र्द जुर्म आयद करना कोई नजीर नहीं मिलती और वो कह रहे थे कि ये इंसाफ नहीं हो रहा ये इंसाफ का खून हो रहा है आपकी राय चाहूंगा जस्टिस उस्मानी साहब से हमारा रहा नादरीन मुनकता हो गया है कामरान मुर्ज़ा साहब आपकी तरफ आऊंगा एफ़ जेड ई कैपिटल जिसका आज उन फ्लैगशिप कंपनियों का वजी अदम सबक वज़ी अदम नवाज शरीफ पर फ़र्द जुर्म आयद हुआ ये वही कंपनी है जिसका अकामा का केस था और अकामा की बुनियाद पर नवाज शरीफ ना अहल हुए थे कि 2001 से दो जो 2001 से ये कंपनी कायम हुई और नवाज शरीफ 2007 से 14 तक ये उसके चेयरमैन रहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मैंबर रहे ये खुद नवाज शरीफ ने खुद उनकी पार्टी ने ये तस्लीम किया है फिर तो चार शीट दुरुस्त है आप क्या कहेंगे देखिये चार्जशीट तो उस तरह से तो दुरुस्त नहीं हो जाएगी ना अगर किसी कंपनी में अगर कोई उसका चेयरमैन रहता है और चेयरमैन होना तो कोई अच्छी या बुरी बात नहीं है वो किसी उसमें सेक्शन नाइन में तो फॉल नहीं करेगा उसमें तो कोई ऐसी सज़ा नहीं हो पाएगी आपने जो है ना वो जब नैब के केसेस चलेंगे तो दो तीन बातें हैं या तो ये साबित करना है कि ये पैसे जो है ना किसी गैरकानूनी तरीके से जो है ना वो इन्होंने वो किए हैं या फिर एक प्रजम्पशन होती है कि, कि किसी के पास असासे उसके उसके, उसके इतने ज़्यादा है कि वो नॉन सोर्सेस के साथ उसको जो है प्रपोशनेट नहीं हो पाते तो तब जो है ना ये फ़र्ज़ कर लिया जाता है कि ये पैसे जो है ना बा, 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 किसी इलीगल तरीके से जो है ना वो आए हैं तो वो अब ये बात जो है ना वो इस्टेब्लिश करने के लिए इनिशियल बर्डन जो है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर है इनिशियल बर्डन जब वो डिस्चार्ज कर देंगे तो देन जो है ना ये बर्डन शिफ्ट करेगा नवाज शरीफ पे या उनकी फैमिली के दीगर मेंबरान पे कि वो इस्टेब्लिश करें कि वो ये असासे जो है ना उनके पास कहाँ से आए हैं उनके पास आया उसके वसाइल मौजूद थे कब लिए गए रकम कहाँ से आई तो ये उसके बाद जो है ना पहले बर्डन जो है ना स्टिल जो है ना उनको डिस्चार्ज करना पड़ेगा सिर्फ ये कह देना कि जो है ना फ्लान कंपनी का एफ जेड एल कंपनी का जो है ना मामला है और इसमें एडमिशन आ गया इस कंपनी के हवाले से चेयरमैन होने के हवाले से तो ये सजा के लिए जो है ना ये काफ़ी नहीं है जुडिशियल कॉन्शियस को ये इसकी तशफी नहीं हो पाएगी इसमें इसी नुकते रहिए नाजरीन जस्टिस शायक उस्मानी साहब से हमारा हो गया है अस्सलाम वालेकुम साहब जी ये हम बात कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ उनकी फैमिली उन पर फर्द जुर्म आयद लग गई है और यही एफ जेडी कैपिटल का केस था जिसमें अकामा की बुनियाद पर नवाज शरीफ साहब ना अहल हुए थे अब सवाल ये है जैसे आज चार्ज उन पर फ्रेम किया गया इसी हवाले से कि बीड एसेट का केस है 2001 में ये फ्लैगशिप कंपनीज़ बनी अब उनकी आमदनी से आ, ज्यादा उनके असासें बने सुप्रीम कोर्ट बार बार पूछती रही जब ये हेरिंग हुई उस वक्त ये असासों की मनी ट्रेल या जो भी सोर्स ऑफ इनकम थे नहीं बताए गए अब जब चार्ज फ्रेम हो गया तो क्या रिट्रोस्पेक्टिव जो प्रोसीडिंग्स हुई उनकी रोशनी में ये पहले से एस्टेब्लिश हो चुका है कि इनके पास कोई प्रूफ नहीं है या फिर दोबारा ये प्रूफ लाएंगे सामने नहीं नहीं ये तो नहीं हुआ अभी तक क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो सीडिंग्स हैं उनमें और इनमें जमीन आसमान का फर्क है यहाँ पे तो ट्रायल हो रहा है सुप्रीम कोर्ट पे ट्रायल नहीं हो रहा था सुप्रीम कोर्ट तो अपनी वन 3 की जो रिस्ट्रिक्शन है उसके तहत इसको देख रही थी तो अभी तो ट्रायल हो रहा है अभी तो प्रूफ लेके आएंगे तो अभी पहले तो नैब को लेके आना पड़ेगा प्रूफ के ये ये फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स बता देंगे फिर उसके बाद चूंकि ये अकाउंट अकाउंटेबिलिटी कोड के जो लॉज हैं वो कुछ मख्तलफ हैं तो उसमें ये इनको फिर दिखाना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ से पैसे और कहाँ कहाँ गए तो ये कहना कि ये सब साबित हो गया पहले से अभी एक ऐसी जिस तरह से ये ये इंप्रेशन दिया जा रहा है ये गलत है अभी जो तो ट्रायल हो रहा है प्रूफ लाना पड़ेगा उनको भी लाना पड़ेगा को भी लाना पड़ेगा फिरा ये फिरा जब सुप्रीम कोर्ट का जज साहब जब सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल जारी था तो कहा गया बार बार के बर्डन ऑफ प्रूफ पे पे है या जिन एक लगे हैं उन पे है अब भी बर्डन ऑफ प्रूफ जैसे आप रहे हैं और दुरुस्त हैं आप तो खुद जज रहे हैं कि प्रूफ फिर कौन लाएगा नैब वालों को प्रूफ करना पड़ेगा या शरीफ फैमिली को प्रूफ करने डिफरेंट होती है जो नॉर्मल क्रिमिनल कोर्ट्स की हैं नॉर्मल क्रिमिनल कोर्ट्स में तो प्रोसिक्यूशन को अपना सबूत सारे लेके आने होते हैं और प्रूव करना पड़ता है बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट लेकिन यहाँ पर ये यह होता है कि थोड़ा बहुत बर्डन जो है वो आ, जो मुलिम है उन पर भी होता है तो इस वजह से आ, पहले तो सिर्फ जो प्रोसिक्यूशन है वो दिखा देगा कि ये ये फैक्ट्स हैं ये ये चीजें ये कंपनी थी ये आप इस कंपनी के ये ये डायरेक्ट आप डायरेक्टर थे या आप चेयरमैन थे जो भी थे ये सब चीजें बता देंगी फिर वो सवाल पूछे जाएंगे कि आप बताइए कि आप मनी ट्रेल का जो बात है वो वो जरा दिखाइए अब क्या है तो फिर उस वक्त जो शिफ्ट हो जाएगा बॉडी और फिर इनको बताना पड़ेगा तो ये एक कॉम्प्लिकेट है थोड़ा सा मुख्तलिफ है दूसरे केसेस से तो इससे अभी तो शुरू है अभी तो बहुत सा, बहुत सा लंबा मामला चलेगा और छह महीने के अंदर अंदर ये कॉन्क्लूड भी होना है शुक्रिया जज साहब इसी नुकते पे रहिएगा आपकी तरफ आऊंगा मियाँ साहब कहते हैं कि ये इंसाफ नहीं इंसाफ का खून हो रहा है आपकी क्यादत भी ट्राई होती रही डॉक्टर साहब आपकी क्यादत मोर और लेस इसी तरह की बात करती थी अब आपकी पार्टी आप खुद आप सेनेटर रहे हैं इतफाक करते हैं मियाँ साहब की बात से अब मियाँ साहब की बात पे मैं कितना इतफ़ा करूँगा ये तो दुनिया देखेगी लेकिन मुझे हैरत तो बहुत ज़्यादा शहबाज शरीफ साहब के कल के बयान पे हुई है मियाँ साहब ने तो कहा कि ये इंसाफ़ का कत्ल है और मेरी बहन ने तो बहुत आगे निकल गई लेकिन जो शहबाज शरीफ ने हक़ को कल तोड़ मरोड़ करके पेश किया कि जी ये सिर्फ शरीफ फैमिली के लिए एहतसाब के लिए जो है वो हम बैठे हुए बाकी क्या मियाँ साहब आप भूल गए आपने तो सैफुररहमान के ज़रिए पूरी पीपल्स पार्टी की क्यादत को झूठे केसेस में फंसवाया था आपने ख़ुद टेलीफोन कर करके जजों को प्रेशराइज किया आज भी टेप स्कैंडल मेरे तमाम जजेस मोहतरम जो वकला दोस्त अभी आपके मेरे प्रोग्राम में साथ हैं आपके साथ इन सब को पता है उस वक़्त शहबाज़ शरीफ अगर ये जहन में होता कि अगर आज हम इंतकाम पीपल्स पार्टी को नीचा दिखाने के लिए उनकी क्यादत को ख़राब करने के लिए झूठे केसेस बना करके उनको नाल करने के लिए कल के जो इकदाम थे उस वक़्त अगर इनको होश होती तो आज शायद ये दिन उनको देखना न पड़ता लेकिन <laughs> मुझे, लेकिन मुझे बात का का पूरी होने आपने बात हो पूरी कर दी है जो कहना था आपने कह दिया मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है नादरीन ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम इन्हीं लीगल और टेक्निकल इश्यूज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे एक बहुत डिस्टिंग पैनल हमारे साथ मौजूद है स्टेविदास वेलकम बैक नाजरीन आप रूबरू लाइव देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर राज साहब आपकी तरफ आऊँगा मैं जैसे गुजारिश कर रहा था कि ऐसे हालात में ऐसे केसेस की इम्प्लीकेशन होती हैं शेख रशीद आज कह रहे थे कि नून लीग में 40 का ग्रुप बना हुआ है आयशा गुल लाले का एग्जैक्टली यही केस इलेक्शन कमीशन में चल रहा है अगर ये इतना बड़ा ग्रुप फ़र्ज किया आइपथिकल बात है उनका दावा है कहीं भी इस तरह का ग्रुप बन जाए तो पार्टी के पास क्या ऑप्शन होती हैं और इन लोगों के पास क्या ऑप्शन होती हैं ग्रुप जो हमारे यहाँ बनते रहे हैं माजी में वो इस तरह नहीं है कि जो आइन का आर्टिकल 63 ए है जो कि डिफेक्शन को या अपनी पार्टी को एक तरह से छोड़ देने की तशरी करता है उसके जुमरे में आए हमारे यहाँ ग्रुप फॉरवर्ड ब्लॉक की शक्ल में बनते हैं कि वो बाहिर तो पार्टी का हिस्सा रहते हैं लेकिन अहम मौके पे वो उनकी ख्वाहिशे होती है कि जो तब्दीली वो चाहते हैं या एक मुखालिफ ग्रुप जो है उसके साथ मिलकर शायद वो कोई अमल करना चाहें उसका एक तरह से वो एक इंदिया दे देते हैं एक तरह से वो एक थ्रेट आप कह दें कि ख़तरे की जो घंटी है वो बजा देते हैं कि हम बैठे हुए हैं और एक हद से आगे अगर आप गए या उस हद से पहले भी किसी और जानब से हमें कोई तरगीब आई तो हम आपका साथ छोड़ने को तैयार हैं तो ये ये तो एक सियासी बात है जो कानूनी और आइनी बात है उसमें तो आन में तीन वो हालात दिए गए हैं जिनमें ये समझा जाएगा कि एक मेंबर कौमी असम्बली जो है अपनी पार्टी को छोड़ चुका है अपनी पार्टी से उसने डिफेक्ट कर लिया है एक तो ये है कि बजट पेश हो और बजट में वोटिंग के वक्त वो अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ वोट दे बजट को अप्रूव ना करे दूसरा ये कि जो एक नो कॉन्फिडेंस का वोट है अगर उसकी पार्टी की हुकूमत के हवाले से आए वज़र अजम के हवाले से आए उस पार्टी के वज़र अजम जिसका वो शख़्स मेंबर है तो उस हवाले से वो ना वोट ना दे अपनी अपनी पार्टी के साथ अपनी पार्टी के खिलाफ वोट दे दे और तीसरा अगर कोई आई अपनी तजवीज़ की जाता है कि वो अपनी पार्टी को छोड़ गया लेकिन उसका भी फिर एक प्रोसेस है फ़ौर वो नाहल नहीं हो जाएगा उसके हवाले से एक रेफरेंस जो है वो स्पीकर को जाएगा और वहाँ से मामला आगे बढ़ेगा तो ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बात की जाती है इसमें लोग ये एहतियात रखते हैं कि ऐसा वो कोई काम ना करें जैसा आयशा गुल का आपने कहा कि वो इस इन तीन जो न, जो कंडीशंस दी गई हैं कानून में उसके जुमरे में ना आए उससे बाहर रहें लेकिन बाहर रहते हुए वो पार्टी की क्यादत की मुखालफत करें या पार्टी की दीगर पॉलिसियों की मुखालफत करें तो ये एक सियासी एक तौर पर तो वो मुखालफ धड़े के तौर पर सामने आ सकते हैं लेकिन आईनी तौर पर उनको डिफेक्टर नहीं समझा जाएगा इतने नुकते पर रहिए कामरान मुर्तजा साहब खतरे की घंटी की बात राज कर रहे हैं कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आप माशाला को समझते हैं आपको कोई खतरे की घंटी नज़र आती है जो रियाज पीरजादा साहब बात कर रहे थे देखिए ख़तरे की घंटी थी भी और है भी मगर उसका जो उसकी ग्रेविटी जो है वो कम हुई है नस्बता वक्त के साथ साथ ये शुरू के दिनों में ज़्यादा थी अब नस्बता कम हो गई है और रियाज पीरजादा साहब भी जो बात कर रहे हैं वो विद इन फैमिली जो है ना वो चेंज ऑफ लीडरशिप की बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि ये जो शेख साहब की बात है शेख रशीद साहब की कि चालीस लोग तैयार हैं अगर ऐसा चालीस लोग अब तक तैयार होते हैं तो मेरा अब तक कोई तब्दीली जो है ना वो आ चुकी होती या तब्दीली आपको नज़र आ रही होती ऐसा नहीं है गो के कुछ लोग जो है वो नाराज़ हैं और कुछ लोगों को की जो जो प्रॉब्लम है वो ये है कि शरीफ फैमिली जो है वो उनको प्रॉपरली जो है न, वो एकोमोडेट uh, नहीं करती या उनको प्रॉपरली लिफ्ट नहीं करवाती या उनकी बात नहीं सुनी जाती अरसे दराज तक मुलाकातें नहीं होती ये इस तरह के ग्रीवेंसेज हैं मगर इसके साथ साथ अभी तक अभी तक जो बात है वो इसमें जो है ना वो इक्का दुखा आवाज़ ही है कोई इतनी बड़ी आवाज़ नहीं है चौन सार साहब का मसला था वो भी तकरीबा आलमोस्ट वो सेटल हो चुकी है तो मेरा ख़्याल है कोई ऐसा कोई वो चालीस वाली बात नहीं है बाकी हर जगह दो चार पाँच इसी नुकते पर है इसी ना नुकते पर रही कामरान मुरजोर साहब डॉक्टर साहब यही सवाल आप पे छोड़ता हूँ मुझे शॉर्ट ब्रेक का कहा जा रहा है टाइम सेटिंग करना होती है नादरन शॉर्ट ब्रेक लेते हैं वापसी पर डॉक्टर कयूम सोमरो की राय लेंगे कि इनकी पार्टी में भी इसी तरह माजी में होता रहा ये कैसे इन रूमर्स को इन विस्पर्स को या शेख रशीद अहमद ने जो बात की कैसे देखते हैं ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन रूबरू आप लाइव देख रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से हम मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर बात कर रहे हैं इस कॉम्पोनेंट में हम बात ज़रूर करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कल जो बात की कि सिक्सटी टू वन एफ़ का जायज़ा लिया जाना चाहिए क्योंकि ये वो आइन का आर्टिकल है जिसके तहत सबक वज़ी अदम मियाँ नवाज शरीफ नाअहल हुए थे लेकिन बात वहीं से कनेक्ट करते हैं डॉक्टर साहब आप पर मैंने सवाल छोड़ा था एक देखें आपका सवाल बिल्कुल सही है हम यही बार बार बात कर रहे हैं कि अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इदारों का उस वक़्त एहतराम किया होता और आज भी जिस तरीके से उनके वज़रा जो इंतहाई इंतहाईमेदार वज़राए जो लबो लहजा वो इस्तेमाल कर रहे हैं क्या ये मुनासिब है कि इस तरह का इस तरह तनकीद इदारों पर और नैब के ऊपर जब यही केसेस मैंने आपसे अर्ज किया कल इमरान खान भी तो नैप पे के साथ हो रहा है, है, मैं मैं भी याद भी याद है हम, हमारे यहाँ तो ऐसा था की अरेस्टेशन पहले होती थी उसके बाद ई सी एल पे नाम डाले जाते थे उसके बाद केसेस बनाए जाते थे उसके बाद जो है कहते थे अब आप अपने आप को आ, साफ करो के जे आप क्यों तो आप कहते नहीं। थे ना गलत लेकिन हो रहा है मैं यही कह रहा हूँ तो आप यही चाह रहे हैं आज गलत इसलिए नहीं हो रहा है कि इस वक्त जो इनके ऊपर चार्जेस है पानामा लीक्स के हवाले से डेढ़ साल का पूरा अरसा सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर डिस्कशन हुई और मोज अदालत ने इनको डिसक्वालीफाई किया और अब ट्रायल कोर्ट जो नैब कोर्ट एक ट्रायल कोर्ट का काट कोर्ट भी तो, तो इतसाँ कोर्ट। इतसाँ कोर्ट अब उसमें इनके खिलाफ ट्रायल हो रही है इनको मौका दिया जा रहा है इनको टाइम दिया जा रहा है आपने कहा मियाँ नवाज शरीफ साहब का पहले जो आपने इंटर में कहा कि उनको गैर मौजूदगी में उनके खिलाफ फ्रेम चार्ज किया गया वो ऐसा नहीं था ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं उन्होंने अपनी जगह पे किसी को यहां नुमाइंदगी दी हुई मेरी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव हैं तो इस तरह ये बात उनकी मर... अगर आज भी वो कल आ रहे हैं तो खुद पेश हो जाएं और कहेंगे ऊपर चार्जेस लगा दो तो मैं सुनने के लिए तैयार नहीं मैंने कहा यह एतराजी गलत है उनका बुनियादी तौर पर उनकी गैर मौजूदगी में कतल हुआ इंसाफ का कतल तो उस वक्त इनको क्यों याद नहीं आया जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी قیادت के खिलाफ ये दिन रात लगे हुए थे और पीपल्स पार्टी की قیادت के खिलाफ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अप्रोच किया तो वो तो बात इनको याद रखनी चाहिए लेकिन आज हम कह रहे हैं आपने कहा कि जी इनके अंदर पार्टी में एक ग्रुप बन रहा है एक तक मैं नहीं कह रहा भाई मेरे मैंने नहीं कहा आपने 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 किया लेकिन मैंने आपको ये मैं जवाब दे रहा हूं इसका भी पीपल्स पार्टी के साथ कोई सरोकार नहीं है हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि नवाज शरीफ के पार्टी के अंदर पांच ग्रुप बन रहे हैं या पचास बने हमारी तरफ से सौ भी बन जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन हम उसूलों की सियासत आज भी हम कर रहे हैं पीपल्स पार्टी कल भी इसी, हम करते रहे और हमने कल भी कुर्बानियां दी आज भी हम कुर्बानी नुकते हैं सिर्फ मुल्की इस्तेकाम और जमुई नुकते पर बुनियादी नुकता जो मैं इस पोर्शन में उठाना चाह रहा था चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कल कहा उन्होंने फरमाया कि 61 एफ़ का जायज़ा लेना चाहिए मामनत वकला करें सीनियर वकला करें ये क्या ज़रूरत पेश आ रही है आपकी जस्ट असेसमेंट चाहिए जाहिर है उनके जेन में जो बात होगी बट एज सीनियर लॉयर ए बैरिस्टर आप क्या समझते हैं देखिए सिक्सटी टू वन एफ़ के हवाले से वाकई मामला जो हैं काफ़ी मैं समझता हूँ अब गदले हो गए हैं जो ये फैसला पैनमा के हवाले से आया नवाज़ शरीफ को नााहल करार दिया गया सिक्सटी टू वन एफ़ में वहाँ एक बहस अदालत के सामने ये थी कि अगर आप ये कहते हैं कि कोई रकम थी कोई तनख्वाह थी जो अगरचे वसूल नहीं की गई लेकिन उसको नॉमिनेशन पेपर में ज़ाहिर करना चाहिए था नॉमिनेशन पेपर में उसको दर्ज करना चाहिए था तो ये ज़्यादा से ज़्यादा एक तकनीकी नोयत का मामला है जिसके हवाले से कानून भी वाज़े नहीं था कि क्या इस नोयत की तनख्वाह जो है जो कि ली नहीं गई वसूल नहीं की, की गई कभी उसको भी असासा समझा जाए और असासा समझ कर उसको अपने गोशवारों में हिर किया जाए तो ये बिल्कुल एक नई बात है जो अदालत के सामने आई है लिहाजा इसके हवाले से ये नहीं कहा जा सकता कि किसी शख्स ने तौर पर बदनवानी की है कि सादिक और अमीन का ताल्लुक तो बाहिर ये लगता है कि दानिस्ता बदनवानी से है एक शख्स को आप गैर सादक या गैर अमीन तब कहेंगे जब यह साबित हो जाए कि जानते हुए दीदा दानिस्त उसने कोई गलत बयानी की जिसका मकसद लोगों को गुमराह करना था ये नहीं कि उसने किसी कानून की कोई तकनीकी जो शराय थी उनको पूरा नहीं किया तो, तो साथ, का कानून साथ, हो या साथ के साथ मैं कर रहा हूं फिर मैं क्या इन्फर करूं आपके कमेंट से कि अगर ये रेफरेंस जी मैं इस, कर रहा हूं। इस जायदे का यही है कि मैं नवाज शरीफ ना अहल हुए तो इसका फिर जायदा का जो जायदा लिया जाएगा इसका कोई रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी होगा फिर नहीं देखिए जहाँ तक तो मियाँ नवाज़ शरीफ की ज़ात का ताल्लुक़ है उनकी ज़ात के हवाले से तो फ़ैसला हो गया रिव्यू भी हो गया लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ अदालत अगर ये समझे और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अदालत समझती है कि माजी के जो फ़ैसले हैं उनमें जो कानून दिया गया उस कानून को दोबारा देखने की ज़रूरत है और मेरा ये ख़याल है कि अब ज़रूरत बिल्कुल है किस हद तक ये सिक्सटी टू वन एफ जो है जिसमें सदकुर का जिक्र है उसका ताल्लुक नीयत से है आम तौर पर हम कहते हैं आमाल का दारो मदार नीयतों पर है बाहर यह नजर आया हमें पानमा के आ, फैसले में कि नीयत को गैर अहम समझा गया कानून की जुबान में हम मंजरिया का एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि क्या आपके जहन में एक जुर्म सरजद करने की कोई नीयत थी या ये एक चीज हो गई तकनीकी तौर पर जो गलत है इनकम टैक्स के कानून की किसी शक की ख़िलाफ़ वर्जी हो गई या इलेक्शन के किसी कानून की हो गई पहले माजी में हमारे फ़ैसले ये नज़ीरें मौजूद हैं जहाँ किसी नामिनेशन पेपर में कोई कमी वेशी रह गई तो इलेक्शन को तो कलदम करार दिया गया लेकिन उस शख्स को ना है, नहीं ये नहीं, नहीं कहा है। गया कि वो गैर या गैर अमीन है और दोबारा लोगों ने इलेक्शन लड़ा और इलेक्ट भी हो गए लिहाजा एक तरह से ये सिक्सटी टू वन एफ़ का तमाम कानून जो है अब गदला हो गया है इसके हवाले से या अला अदालतें दोबारा कोई फ़ैसले दें वजाहत करें या फिर पार्लियमान कोई आ, कानून साजी और आइनस साजी करें आइन में कोई तरमीम करके वजाहत पैदा करें इस वक्त तमाम जो मंबरान असम्बली हैं मैं समझता हूँ उनके ऊपर एक तलवार लटक रही है कि उनकी ज़िंदगी के किसी भी पहलू माजी के किसी भी हिस्से से कोई चीज़ आप अब निकाल के ले आए ले आए और कहें कि फ़लाँ कानून की इन्होंने फ़लां साल में गलती से खिलाफ वर्जी की थी बल्कि ये भी हमें दिखाने की जरूरत नहीं कि इनकी नीयत क्या थी सिर्फ अगर ये नज़र आ जाए कि ख़िलाफ़ वर्जी थी तो उनको ना अहल करार दे दिया जाए यही मामला अब जहांगीर तरीन साहब और इमरान खान साहब के हवाले से अदालत के सामने है और इसीलिए अदालत के ये रिमार्क सामने आए कि हमें सिक्सटी टू वन एफ को बहुत गौर से देखना होगा जी इसी नुकते पर रहिएगा कमरान मुरतजा साहब आपके पास आऊँगा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ऑब्ज़रवेशन या उन्होंने ज़रूरत जो महसूस की सिक्सटी टू वन एफ़ का जायजा लेने की आप जैसे वकला यकी उनके उनके मुखातब भी होंगे जब उन्होंने कहा कि मामनत करें अब उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दी उन्होंने कहा कि अगर बाप घर में है और बच्चे से कहे कि बाहर जाकर कहो बाप नहीं है तो ये भी बेईमानी है यानी सादेक और अमीन नहीं है वो बाप जो ये कह रहा है घर में बैठ के, के बाहर जाकर बताओ वो नहीं है तो क्या ये चीजें फिर का हिस्सा बनेगी लागू रहेगी या कैसे फिर हम आगे बढ़ेंगे देखिए इस वक्त तो दो उसी तरह के मुकदमे जो है चीफ साहब के पास जेर समात हैं एक थ्री मेंबर बेंच के पास जेर समात है सुप्रीम कोर्ट के जिस तरह मिया नवाज शरीफ का या उनकी फ़ैमिली का जो मुकदमा था अब दो बातें हो सकती हैं एक बात तो ये हो सकती है कि जो फाइव मेंबर बेंच ने जो ला सेटल कर लिया है उसको एज़ इट इज़ फॉलो किया जाए अब अगर वो ला अगर उसको एज इट इज़ फॉलो करते हैं तो फिर तो ये है कि अगर ओमिशन भी है और किसी चीज़ की जो है न वो कोई डिस्क्लोजर नहीं है जो चीज़ जो रिक्वायर्ड थी डिस्क्लोज करना जो बताना ज़रूरी था वो अगर नहीं बताया मंजरिया उसके साथ है या नहीं है गलती से हुआ है या जिस तरह से भी हुआ है वो मिस डेक्लोरेशन में आ रहा है अब इसको अगर इसी तरह से अप्लाई करना है तो फिर शायद मुमकिन है कि जो दो मु मुकदमा है उसमें भी किसी के लिए तकलीफ दे बात आ जाए मगर इसके साथ, आ, साथ आ, आप तौर पे क्या सोचते है। हैं आप कोर्ट प्रोसीडिंग को मॉनिटर भी करते हैं जाते भी हैं आप आपी तौर पर इन दो केसेस में जिनकी हेरिंग के दौरान ये आई बात सामने आप क्या कहते हैं किधर जा रहे हैं वो केसेस हाँ देखिए मैं जाती तौर पे ना तो वो पहला जो केस चल रहा था उसके चलाने के हक में था कि डायरेक्टली उसको एक तीन में चलाया जाए और ना मैं इस इस मामले इन दो केसों के मामला मामला के हक़ में हूँ जो अदारे जहाँ पे हैं जो मामला जहाँ पे होने चाहिए वहीं होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट अगर डायरेक्टली इनको इंटरटेन कर ले तो फिर इसका मतलब यह है कि किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो मैं इस बात का ना पहले हामी था मियाँ नवाज शरीफ वाले केस में और उसमें मैं Uh, समझता था कि बहुत से डिफेंस जो है ना वो अवेलेबल थे शायद मियाँ साहब जो है वो लेना नहीं चाह रहे थे ये प्रॉब्लम था अब मैं आज भी जो है मैं अपने उसी स्टैंड पे कायम हूँ और मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब के खिलाफ या जहांगीर तरीन के खिलाफ जो है प्रोसीड होना चाहिए बल्कि अगर उन्होंने कोई ऐसी बात है या कोई इल्जाम हैं तो जो मुतल अदारे हैं उनके पास ये मामला जाए ये और उनको जाके देखें जी डॉक्टर सर मेरा छोटा सा सवाल है आपसे सर के 184 3 सलाम भी। आ, आपको भी सलाह मेरी तरफ से के जब खिलाफ का डाटर साहब हमने उस वक्त भी अपोज किया था और उसको बार बार हम ये कहते है की उनके साथ जो है वो दुरुस्त नहीं हुआ था अदालती तो अहकाम का एहतराम होता है हम एहतराम करते हैं मगर हम जजों के ऊपर बात नहीं करते मगर कल के, कल के उनके हवाले से हम ये कहते हैं कि उन उनके साथ ज्यादी हुई थी हम आ, आ, उस आर्डर को भी जो है ना वो उसको रिविजिट होना चाहिए या शायद वो अपील में पेंडिंग है तो उसको जो है ना वो अब सब जुडिस है मामला उसमें देखना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को गौर से देखना चाहिए इस मामले को और आ, आ, उस मामले में भी जो है हम हामी नहीं थे कतन जो है ना सियासी लोगों को सियासी मैदान में आउट होना चाहिए डॉक्टर साहब हम ये भी समझते हैं कि भुट्टो साहब के खिलाफ जो कुछ हुआ था वो भी गलत वो भी गलत हुआ था हम ये समझते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ जो कुछ हुआ था वो भी गलत हुआ था हम ये भी समझते हैं नवाज शरीफ के ख... आप तो उन लोगों की भी फेवर में बोल रहे हैं जो इस फैसले को वेलकम करते रहे कमरान मुरतजा साहबों की बड़ी अहम बात की हाँ, उन्होंने कहा कि वो जारी तौर पे डॉक्टर साहब कामरान साहब कह रहे हैं कि वो तौर पे नहीं चाहते कि इमरान खान और जहांगीर खान तरीन भी इसी तरह के कॉन्सिक्वेंस को फेस करें जैसे मियां नवाज शरीफ ने फेस किया आपकी पार्टी तो खुश होगी उल्टा अगर इमरान खान के खिलाफ भी फैसला आ जाए जहांगीर खान तरीन के खिलाफ भी आ रहे हैं अगले हफ्ते तो आपके सुबह सिंध में जा रहे हैं इमरान खान पूरा प्लान उन्होंने इमरान खान का सियासी तौर पर इमर्ज होना पोलिटिकली अंदाज में उससे हमें कोई तकलीफ नहीं हमें उस वक्त तकलीफ थी उस वक़्त हमने अपना मौक़फ़ भी इजहार किया खुला करके किया दो हजार चौदह में दो हजार चौदह में कोई फर्क नहीं पड़ता है ये वापस भी आ जाएंगे जैसे स्पीड से जा रहे हैं इसी स्पीड में वापस इसलिए आएंगे कि अगले दस दिन में देखे जो कर दिया से कह रहा हूँ जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ जिस तरह इंसाफ हुआ है तो यही अंजाम जो है इमरान ख़ान का और जहांगीर तरीन का भी होना है क्योंकि ये मुखालिफ केस नहीं है इससे कोई मुख्तलिफ़ चीज़ नहीं है वो भी सारी वही चार्जेज़ हैं कि उन्होंने भी झूठ बोला है, उन्होंने भी मनी ट्रेल नहीं दी अगर अदालत मुतमेट हो जाती है, याद है चीफ अगर साथ अदालत ना नीयत की इस केस में इमरान खान के केस में एक दिन ये ऑब्जर्वेशन आई थी उनकी नीत पे शक नहीं मैं राजा साहब की इस बात से इख्त कर रहा हूँ माजरत के साथ वो ला को ज्यादा समझते हैं वो है ही ला के लेकिन मैं ये बिल्कुल इस पर इख्तलाफ इसलिए रख रहा हूँ कि डेलीबरेटली ये चीज़ उनको पता था कि वहाँ से उसी अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी उसी अकाउंट से पैसे जा रहे थे मुल्क से दुबई से बाहर और दुनिया में हर जगह उसी अकाउंट से पैसे जो है ट्र, ट्रांजेक्शन हो रही थी तो ये कैसे आप कह सकते की बात हैं देखिए तनख्वाह से पता था दास देराम दास देराम की बात ये कर आप कर न कहें कि जी उनकी नीयत नहीं उनको पता नहीं था ये इतने मासूम थे ये तो फिर हमारी बहन ने जो है मरियम ने जो बयान दिए थे दो तीन कि जी मेरी अपने पाकिस्तान में दुनिया में तो क्या अपने मुल्क में भी प्रॉपर्टी नहीं है वो भी मासूमियत में बयान दिया था वो भी नहीं पता चल रहा था कि जी मेरी नीयत में ये चीज़ नहीं थी जब जब साबित हुआ तो तीस साल की करप्शन जो है इनके जो है सर पे आकर के खड़ी हो गई so तो ये well इतने taken. मासूम नहीं है well मेरा ये भाई मासूम जरूर हो सकता है लेकिन वो इतने मासूम पॉइंट वेल टेकन राय साहब आपकी तरफ आऊंगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये भी कल फरमा रहे थे उन्होंने कहा कि मुखालफ फ़ैसला आने पर भी कबूल कर लेना चाहिए और तनकीद अगर करनी है तो कानूनी बुनियाद पर की जाने चाहिए हमारे कॉन्टेक्स में मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा जब भी मुखालिफ फैसला आता है उस पर ज़ाहिर है उसको एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है तनकीद की जाती है ये भी रिव्यू होना चाहिए कॉन्डक्ट सब देखें तनकीद जो है जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने कहा अगर आप कानूनी बुनियाद पर करते हैं कि इस फैसले की जो कानूनी बुनियाद है उसके हवाले से तहफात हैं कि आइन की जिस तरह तश्री की गई उसके हवाले से तहफात हैं या कानून का जिस तरह इतलाक़ किया गया उसके हवाले से कोई अगर दो हैं तो उनका तो बिल्कुल इजहार होना चाहिए यह एक सेहतमंदाना कदम है लेकिन जब कोई ये कहे कि ये फैसला मैं इसलिए नहीं मानता कि इसके एक महरक कुछ और हैं तो वो फिर एक सियासी रोयत की गुफ्तु है वहाँ पर फिर सियासी मैदान में क्या जायज़ है क्या नहीं जायज़ आज़ादी इजहार की हद क्या है क्या नहीं है उसका तयन अदालतें करती रहती हैं अदालतों के पास तोहन अदालत का एक हथियार मौजूद होता है उसको अदालतें अब दुनिया जहाँ में बहुत कम इस्तेमाल करती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिश ये होती है कि सियासी मैदान जो दिया थारे 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 में गुफगुप के धारे में बहकर किसी एक इरत मंजिल तक पहुँच जाएंगे तो लिहाजा तोहन अदालत का, का कानून अगरचे मौजूद है हमने ये देखा कि पिछले दो चार सालों में इसका इतलाक़ नहीं किया गया इलेक्शन के हवाले से बहुत गुफ्तु हुई कि इलेक्शन में रेगिंग हुई थी उसके बाद एक कमीशन बन गया जिसने इंक्वायरी की चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उसकी सरबराई की लेकिन जब उसका फ़ैसला आया तो उस फैसले के हवाले से कानूनी तनकीद से ज़्यादा एक मैं कहूँगा सियासी नौयीत की तनकीद की गई एक जेर लब जिसे कहते हैं